हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे MLAs ने रूल कमिटी में बैठा और ये अननिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। ये तो जो डिसीशन हुआ उस डिसीशन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे, ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। फ्राइडे नमाज की जो छुट्टी का टाइम था वो रिड्यूस हुआ है। देखिए हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे MLAs ने रूल कमिटी में बैठा और ये अननिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। अब सर आप आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के बड़े बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और एक खास वर्ग को खुश रखने के लिए ये सारी कवायद आपकी तरफ से। देखिए ये तो जो डिसीशन हुआ उस डिसीशन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे, ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आप सब कुछ हटा रहे हैं, आपको पॉलीगामी था वो भी आप हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स उसको भी आपको हटा दिया, अभी क्या बाकी है? आसाम के CM साहब के इशारे में सब चल रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है, मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का उस पर उनकी नजर है। इनको इस्लामो और मुसलमानों फोबिया हो गया है, ये हमेशा वही बात करते हैं जो मुसलमान को हिट करेगी। भाजपा के लोग उन्होंने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। इफ समबडी इज टेकिंग ए ब्रेक फॉर ए जुम्मा नमाज देन ऑब्वियसली वी हिंदूज कैन आल्सो गेट ए ब्रेक फॉर आवर टेंपल्स। इस्लामो और मुसलमानों फोबिया हो गया है। विश्व शर्मा का क्या तकलीफ है पता नहीं है, लेकिन लगता है जो मुसलमान का जहां आपको रिलीजियस में तो जाए कुछ हो, मुस्लिम नाम मिटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, बात यही है। लेकिन आप ये सोच मत सोचिए ये जो ट्रेडिशन है हाउस का, ये ट्रेडिशन आप ब्रेक करके क्या लाना चाहते हैं पता नहीं है। कहीं किसी का तकलीफ तो नहीं हुआ, 90 ईयर्स हो गया आपका असेंबली चल रहा है, उसमें तो कहीं किसी का तकलीफ नहीं हुआ, आपका क्या तकलीफ है इसमें? आप लोग तो असेंबली के अंदर में आपको सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको देखना चाहिए, आपको हक जो है हर आदमी का रिलीजियस फेथ है उनको प्रैक्टिस करने का, उसका हर आदमी का होता है ना, दिल चाहता है। लेकिन आप तो हम लोग का दिल तोड़ दिया, ये सही नहीं किया है। और आप क्या करते हैं अंदर में जो खाना वाना जो बनाते हैं इस असेंबली हाउस में, जो आप खाना देते हैं अच्छी की बात है, ये तो खाना हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन आप लोग उधर भी पोर्क भी रखते हैं, ये तो हम लोग का सेंटिमेंट होता है भाई, पोर्क क्यों रखते हैं आप लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप तो धीरे धीरे आप सब कुछ हटा रहे हैं, आपको पॉलीगामी था वो भी आप हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स उसको भी आपको हटा दिया, अभी क्या बाकी है भाई? जमीन थोड़ा था हम लोग का, वो जमीन जब हम लोग जो टाउन में ना आ पाए, कहीं पे आप जा नहीं सकते, मुसलमान को कितना आप सताएंगे, सता करके एक दिन तो आप खुद सता में पड़ जाएंगे, ऐसा हो रहा है। ऐसा तो CM बहुत चला गया भाई, आगे आप देख लीजिए, आप भी 5 साल चल रहे हैं, अभी 3 साल चल रहे हैं, अगले के बारे में आप सोचिए। हर आदमी आपका ऊपर में विश्वास है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसमें आपको सारे को आपको समान इक्वली दिखना चाहिए, लेकिन आप तो इक्वली नहीं दिख रहा है, ये सही नहीं कर रहा है। सारे हिंदुस्तान आपको देख रहा है और हिंदुस्तान का आदमी आपको नफरत कर रहा है, अभी आप सोच लीजिए अब क्या करना है। लेकिन आप जो नमाज के लिए जो आप टाइम जो हम लोग था वो जो आप उड्रन कर दिया, कोई बात नहीं, हम नमाज को उड्रन नहीं कर सकते, हम तो यहाँ से आप टाइम उड्रन हम लोग नहीं रहेंगे उस टाइम में, हम लोग डिवाइस नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, तो पहले होना चाहिए, कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है, हम तो नमाज पढ़ के आ रहा हूँ भाई, अभी क्या तो तकलीफ है उसमें? आप नमाज पढ़ने में आप रुक नहीं रखने। अगला सेशन से जो है फ्राइडे में थोड़ा 2 घंटे के लिए वक्फा होता था, फ्राइडे 9 o'clock से असेंबली शुरू होता था सेशन,
और 11:30-12 o'clock अर्जन हो जाता था, फिर 2 बजे से दोबारा शुरू होता था। ये फ्राइडे का दोनों टाइम सुबह शाम इस तरह के ये हुआ करता था, लेकिन उसको रूल्स कमेटी ने इसको तब्दील करके अगले सेशन से इसको उठा दिया उन्होंने। हमारा एमएलए अमीनुल इस्लाम रूल्स कमेटी में उन्होंने सुझाव दिया था कि एक भाईचारगी की बात है, ये आपस में मोहब्बत की बात, मोहब्बत बढ़ती है इससे। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को उपासना वर्शिप में अगर रेस्पेक्ट करेंगे तो इसमें प्यार और मोहब्बत बढ़ती है, इसको रहने दीजिए। उन्होंने मुखालफत की है लेकिन नहीं माना रूल्स कमेटी में, स्पीकर के नेतृत्व में उनकी अक्सरियत है, उन लोगों ने जबरदस्ती इसको कर लिया। करने दीजिए, जुमा की नमाज हम तो पढ़ेंगे। अब मसला यह है कि जो असम विधानसभा में 126 में 30 मुसलमान एमएलए आज के दिन भी है, और आज 30 नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस आसाम की विधानसभा में 36 मुसलमान एमएलए हुआ करते थे। स्वाधीनता से पहले आसाम असेंबली में 30, 35, 36 तक एमएलए हुआ करते थे। अभी तो घट के कम हो गया, हम लोग अभी भी 30 एमएलए है, तो 30 एमएलए हम लोग जुमा के लिए जाएंगे, हमारी नमाज को नहीं रोक सकते। हम लोग इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, लेकिन वो 2 घंटा में जो जरूरी काम होगा उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। स्पीकर से हमने ही मांग किया था कुछ कभी जरूरी बिल होगा और कुछ होगा जिसमें हमारा इस 30 एमएलए का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप इसको इसी तरह रखने दीजिए। लेकिन हमारे असम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है, मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का उस पर उनकी नजर है, मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे, अब मुसलमान नमाज कब पढ़ने जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी वो तय करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो असम के जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं, ये है कौन, ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोग गोने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है, कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी CA NRC का आ जाता है बिल, किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में। See, as everybody says, India is a secular country. So if you see in that context, if somebody is taking a break for a Jumma namaz, then obviously we Hindus can also get a break for our temples, or if some rituals are there at home, we can also ask for a break. But only for a specific reason, for a specific community's break has been given since so long before independence. I think it's a historic decision. As all religions are same, if somebody wants to go for a namaz, he can go and do his namaz. Or what they can ask is, they can ask for a room or special space. We have seen in airports, we have seen in many places where there are special rooms are kept to go for a Jumma namaz. They can ask for room, but why a 3 hours break? We have many decisions. We have many. Today is Friday, and still it's almost going to be 4:18. Until 5 we will be having our assembly. If this 3 hours break was supposed not happen, then we could have finished our assembly today by 3 o'clock. But it has to be extended till 5 o'clock. Why? Because there was a break of 2.5 hours or 3 hours for a Jumma namaz, and this namaz can be performed in a masjid nearby our assembly, or they can ask for a separate room where they can do their rituals. So I think it's a historic decision.